तो आपको लेनी है थोड़ी सी सोयाबीन और उसके अंदर डाल लेना है थोड़ा सा पानी और अपने प्याज को, टमाटर को और अपनी सारी चीज़ों को काट लेना है बहुत अच्छे से, शिमला मिर्च को भी। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा डालना है मैदा और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी सोयाबीन थी उसको तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम अपने सभी प्याज टमाटर के मसालों को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा हम टेक्सचर इसको दे पाएँ। मिर्च मसाले डालने के बाद इसको थोड़ी देर चलाएंगे और उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालकर अपनी सोयाबीन को डाल देंगे। ऊपर से